हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज इस वीडियो में हम सफ़र करेंगे दिल्ली से मेरे गांव करौली राजस्थान। तो हमने आनंद विहार से 4 बजे निकले थे हम, और फरीदाबाद होते हुए DND हाईवे से, अभी ये जो चल रहा है जो DND हाईवे है, जो सोहाना मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे जाके मिलेगा। ये मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से हम सीधा पिनान से एग्ज़िट करेंगे और महुआ मंडावर हिंडौन होते हुए अपने गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। उस बीच हमने एक रेस्ट लिया है, जहां हमने खाना खाया, रेस्ट किया। बीच में कई सारे रेस्ट रूम पड़ते हैं जहां फ्यूल भरवा सकते हो। बहुत अच्छी लोकेशन है ये। ऐसी कई लोकेशन रास्ते में मिलती है जहां अपना आप रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम सीधा यहाँ से रवाना हो चुके थे। हमको जाते जाते थोड़ा शाम हो गई थी, धीरे धीरे थोड़ा अंधेरा होने लगा था। जैसे ही हम वहाँ से चले, उसके बाद करीबन टाइम हो रहा था 6:30 के आसपास, 6:30 पौने 7। फिर हमको पहुँचते मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया था। जब हमने ये एग्ज़िट किया हाईवे, तो हमको पूरा अंधेरा हो चुका था। उसके बाद हम सीधे पहुँच गए गांव। सुबह की मॉर्निंग हम जगे। सुबह ये हमारे घर का सीन है, घर के आगे का। बुआ जी बैठी हुई थी। ये घर के ऊपर का व्यू है, जो हमने अभी रिसेंटली है ना मेंटेनेंस करवाया है इसको। सामने जो घर है थोड़े बहुत खाली पड़े हुए हैं, जो कहीं और जाके शिफ्ट हो गए हैं। फिर क्या हुआ, घर पे पानी नहीं आ रहा था, तो मैं और मेरा कज़िन बाइक उठाई और हम सर्च करने निकल दिए गांव में। गांव में हमारे क्या, एक छोटा सा नदी टाइप है, मतलब बहुत छोटी नदी टाइप, उसमें पानी आता है। तो इस बार क्या, ज़्यादा बरसात होने के कारण बहुत सारा पानी आ गया, तो वहाँ थोड़ा अच्छा सीन बना हुआ था। मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा था, एक तरीके से बड़ी नदी टाइप बन रही थी, खेतों में पानी भरा हुआ था। तो हम वहाँ दोनों घूमने निकल गए। तो हमने सोचा घर पर पानी नहीं आ रहा था, तो हम बाहर ही कहीं फ्रेश हो आएंगे और वहाँ पर घूम भी आएंगे। तो भाई ये वो जगह है जहाँ देखो पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ का ब्रिज है, पर ये ब्रिज थोड़ा कम हाइट पे है, तो इसके ऊपर होके पानी चला जाता है जब बरसात तेज़ होती है। अभी बरसात नहीं हुई है 2-3 दिनों से, इसलिए पानी नहीं है, पानी से भरा हुआ है, नीचे से होके बह रहा है। हमारे गांव का नाम है रौंसी, जो कि नांदोती और श्री महावीर जी के बीच में पड़ता है। फिर क्या हुआ, हम दोनों, एक और हमारा कज़िन मिल गया, तो हम तीनों सब्जियां कैमला की तरफ सब्जियां लेने चले गए थे। वहां से सब्जियां लेके आ रहे हैं, सब्जियां लेके हम घर पहुंचेंगे। फिर अपने नहाने धोने के लिए भी हम वहीं जाएंगे, जो हमारी नदी बह रही है उसमें। गाइस, पानी का बहाव काफ़ी है, मुझे तैरना हल्का फुल्का ही आता है, तो लेकिन बैठे हुए पानी में थोड़ा तैरना मुश्किल है हमारे लिए। तो हम आराम से बैठ के ही नहाए, ज़्यादा मस्ती नहीं करी उतनी। पानी का बहाव इतना तेज़ है कि बच्चा यहाँ पे ठहर नहीं सकता।
फिर हमने क्या बाइकों को स्टैंड पे लगाया मैंने स्टैंड पे और चालू करके प्रेशर से थोड़े कपड़े धोने में हेल्प हो गई इससे और थोड़ी मस्ती भी हो गई साथ में। फिर नहा धो के अपन वापस निकल लिए घर के लिए। कार भी एकदम साफ़ हो चुकी थी, हमने इसमें दो चार चक्कर कार के लगाए तो ये भी क्लीन हो गई।